हेलो दोस्तों, तो कैसे हो। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि आप लोग पंजाब नेशनल बैंक के क्रेडिट कार्ड का बिल किस तरीके से पे कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे PNB One एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे PNB One एप्लीकेशन को ओपन कर लिया, तो आप लोगों को भी इसी तरीके से ओपन कर लेना है और यहाँ पर अपना बायोमेट्रिक या फिर जमपिन से लॉग इन हो जाना है। यहाँ पर आप लोग देखो कि मैं सक्सेसफुली लॉग इन हो चुका हूँ। लॉग इन होने के बाद यहीं पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, पे क्रेडिट कार्ड, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा, कार्ड नंबर, एक्सपायरी मंथ, एक्सपायरी ईयर, जिस तरीके से कार्ड पर नाम प्रिंट है वो, मोबाइल नंबर, पिन कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद OTP आएगी, OTP डाल देना है, TPIN आपसे मांगा जाएगा, TPIN आपको डाल देना है, कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करोगे आपका कार्ड यहाँ पर सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर पहले यह प्रोसेस कर लेता हूँ। तो फाइनल गाइस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरा कार्ड यहाँ पर ऐड हो चुका है। इसमें कितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है। 10,000 रुपये अवेलेबल बैलेंस है और यहाँ पे जो करंट आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो 40,000 रुपये है। पे करने के लिए आपको इस पर यहाँ पर पे का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, पे पर क्लिक कर देना है। जैसे पे पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोगों सारी डिटेल देखने को मिल जाती है, अकाउंट नंबर यहाँ पर देखने को मिल जाता है और मिनिमम आप 2,000 रुपये पे कर सकते हो और अमाउंट जो ड्यू है वो टोटल 40,000 रुपये है। यहाँ पे ड्यू डेट भी साफ साफ मेंशन की हुई है, 6 तारीख आप लोगों को दिखाया जा रहा है। तो आप लोगों को करना कि यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आ जाएगा। उसके बाद फिर से आपको एक बार सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपसे आपका यहाँ पर TPIN मांगा जाएगा, तो जो भी आपका TPIN है वो सक्सेसफुली यहाँ पर डाल देना है। तो गाइस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कार्ड का पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद हम व्यू ओके पे भी कर सकते हैं क्लिक और व्यू हिस्ट्री पर कर सकते हैं। अगर व्यू हिस्ट्री पर हम क्लिक करके देख लेते हैं माई ट्रांजेक्शन, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरे पास एक मैसेज आ चुका है जिसमें यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि मेरे अकाउंट से 40,000 रुपये डेबिट हो चुके हैं, यानी कि 40,000 मैंने पे किया था, 40,000 डेबिट हो चुके हैं। यहाँ पे हम कंप्लीट पे क्लिक करते हैं तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मेरा नाम दिख रहा है और कार्ड डिटेल देखने को मिल जाती है आपको, किस डेट को यहाँ पे मैंने पेमेंट किया है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और फिर से हम यहाँ पे कार्ड पर क्लिक करते हैं, देखते हैं अब यहाँ पर क्या शो हो रहा है। इस बार पेज को पहले रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। फिलहाल दोस्तों पेमेंट मैंने कर दिया है, बट अभी ये अपडेट नहीं हुआ है। अपडेट होगा तो जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे जो अवेलेबल बैलेंस है इसमें शो होने लगेगा, क्योंकि इस कार्ड की जो लिमिट है वो 50,000 रुपये है और अभी मैंने 40,000 रुपये का पेमेंट कर दिया। हम बैक करते हैं और मैं यहाँ पर आपको दिखा देते हैं ट्रांजेक्शन हिस्ट्री। तो गाइज, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्रेडिट कार्ड, इस पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोग सामने कुछ इस तरह का रेफरेंस नंबर आ जाएगा, इसका आप लोगों एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। और दोस्तों इसी ट्रैकिंग नंबर से आप लोग बहुत इजी तरीके से इसका स्टेटस चेक कर पाओगे कि आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव हुआ है या फिर डिक्लाइन हुआ है। दोस्तों आप लोगों को एक लिंक SMS के थ्रू मिल जाएगी, इस पर आप क्लिक करके ट्रैक कर सकते हो और ईमेल पर भी आप लोग नहीं तो आपकी वीडियो को पसंद आए, पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शेयर करिए चैनल पर, नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी इशू है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।